स्वामी विवेकानंद का हर शब्द, हर वाक, हर कथन, हर विचार हमें जिंदगी की मुश्किल परिस्थितियों में डटे रहने की प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन ही प्रेरणादायक है। हम अगर विवेकानंद के विचारों और कथनों पर अमल करना शुरू कर दे तो हम अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दुनिया के इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्हें खुद पर विश्वास था। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ज्ञान का उपहार दुनिया में सबसे बड़ा उपहार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हर कोई आज्ञा देना चाहता है, कोई पालन नहीं करना चाहता। पहले आज्ञा मानना सीखो, आदेश अपने आप ही आ जाएंगे। हमेशा पहले नौकर बनना सीखो और फिर तुम मालिक बनने योग्य हो जाओगे। यदि तुम सोच सकते हो कि अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और आदम्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर है और यदि तुम उस शक्ति को बाहर ला सकते हो तो तुम मेरे जैसे बन सकते हो। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं और हम जो कुछ बनना चाहते हैं हमारे पास खुद को बनाने की शक्ति है। सभी दुखों और दर्दों का कारण अटैचमेंट है। मस्तिष्क को उच्च विचारों, उच्चतम आदर्शों से भर दो, उन्हें दिन रात अपने सामने रखो, इससे महान कार्य आएगा। जीवन में सबसे अच्छा मार्गदर्शन ताकत है। प्रकाश के ब्रह्मांड में बाहर आओ, ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हारा है। अपनी बाहों को फैलाओ और इसे प्यार से गले लगाओ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जैसे ही हम प्रतिक्रिया करते हैं हम गुलाम बनते चले जाते हैं। एक आदमी मुझे दोष देता है और मैं तुरंत क्रोध के रूप में प्रतिक्रिया करता हूँ। उससे जो एक छोटा सा कंपन पैदा किया उसने मुझे गुलाम बना दिया। लोग इतने डरे हुए क्यों है? इसका जवाब है कि उन्होंने खुद को असहाय और दूसरों पर निर्भर बना लिया है। हम इतने आलसी हैं कि हम खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक व्यक्तिगत ईश्वर, एक उद्धारकर्ता या एक पैगंबर हमारे लिए सब कुछ करें। सबसे खुश हुआ व्यक्ति है जो स्वार्थी नहीं है। ध्यान अवस्था अस्तित्व की उच्चतम अवस्था है। वस्तुओं का चिंतन साक्षी रूपी अध्ययन से हमें वास्तविक आनंद और प्रसन्नता प्रदान करती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के भंडार की कुंजी है। हर क्रिया जो हमें हमारे दिव्य स्वभाव से अधिक प्रकट करने में मदद करती है वह अच्छी है। हर कार्य जो रोकता है वह बुरा है। यदि आप समंदर पार करना चाहते हैं तो आपके पास लोहे जैसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपको इतना मजबूत होना चाहिए कि आप पहाड़ों को भेद सके। यदि मन तीव्र रूप से उत्सुक है तो सब कुछ पूरा किया जा सकता है। पहाड़ों को परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है। अकेले वो जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार दूर तक रहते हैं, वो दूर तक की यात्रा करते हैं।